मेरा नाम आदित्य धनराज गाड़बैल है, मैं पाजगाँव का रहने वाला हूँ। मैं खेती में काम करता हूँ, उसके साथ साथ पशु भी पालता हूँ। मेरे पास 10 गैया 100 लीटर दूध निकलता है रोज का। मैं पहले करीबी डेयरी में देता था, जब से नितिन जी गडकरी ने ये मदर डेयरी का प्रोजेक्ट लाया नागपुर में, तब से मैं मदर डेयरी को ही दूध दे रहा हूँ। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है मेरे को। हमारे गाँव से 2 किलोमीटर दूर MPI पॉइंट है मदर डेयरी का। हम वहाँ पे दूध लेके जाते हैं, वहाँ टेस्टिंग होती है, दूध चेक किया जाता है, उसके बाद में नापा जाता है, फिर हमारी पर्ची निकलती है, फिर हमारे अकाउंट में पैसे बराबर जमा हो जाते हैं। जो हमारा दूध पहले कुछ रुपए से जाता था, अभी नितिन जी गडकरी ने जो मदर डेयरी का ये प्रोजेक्ट लाया उससे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। इसीलिए मैं नितिन जी गडकरी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं नरेश रामकिशन गुप्ता 2017 से नागपुर मदर डेयरी में टैंकर चलाने का काम कर रहा हूँ। नागपुर में मदर डेयरी आने के वजह से मुझे और मेरे अन्य टैंकर ड्राइवरों को रोज़गार मिला है। इसलिए मैं नागपुर में मदर डेयरी की पहल करने के लिए नितिन गडकरी जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं दीक्षित चिचुडे मदर डेयरी में कार्यरत हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मदर डेयरी नागपुर में आएगा करके, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जो मदर डेयरी था ये नॉर्थ साइड में था, तो ये नितिन गडकरी साहब के इनिशिएटिव से मदर डेयरी नागपुर में 2017 में स्टार्ट हुआ। नियर अबाउट 2400 फार्मर्स के साथ में मदर डेयरी जुड़ी हुई है। इसमें हमारे पास लगभग 2500 गाँव में से 2.5 लाख लीटर से 3 लाख लीटर का दूध का कलेक्शन है। वो कलेक्शन जो है वो 2 टाइम का कलेक्शन है, मॉर्निंग और इवनिंग का। दोनों टाइम का फ्रेश कलेक्शन हमारे पास नागपुर में प्रोसेसिंग करने के लिए आता है। यहाँ पे हम दूध को प्रोसेस करके उसके वेरियस उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद सेम डे हम उसको डिस्पैच करते हैं, जो नागपुर और नागपुर के जो आसपास का एरिया है वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे मदर डेयरी चालू हुआ है नागपुर में, तो धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। ये जनता का प्यार ही है कि आज इस मदर डेयरी सफलतापूर्वक नागपुर में चल रहा है। गडकरी साहब ने जो विदर्भ और विदर्भ के लोगों के लिए जो किया है वो बहुत ही अच्छी पहल है, और इसके लिए मैं गडकरी साहब को और मदर डेयरी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा नाम श्रीकांत सराफ है, मैं सोलोमी नगर बूथ से बोल रहा हूँ। पहले मैं रिलायंस पावर में जॉब करता था, कोविड के वजह से मेरा जॉब चला गया। 3 साल पहले नागपुर में मदर डेयरी का इंट्रोडक्शन हुआ है। मेरा जॉब जाने के बावजूद भी आज मुझे अर्निंग के लिए पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम मिला, तुरंत सोर्स ऑफ इनकम मिला, उसका श्रेय गडकरी सर को ही जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सेकेंड इनिंग मदर डेयरी से शुरू हो गई है और मैं मदर डेयरी का एक फैमिली मेंबर बन पाया। इसके लिए मैं नितिन जी गडकरी को मैं मन से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सत्यजीत कुमार सिंह है, मैं एक्स एयरफोर्स रिटायर्ड। मैं 20 इयर्स एयरफोर्स की सेवा करने के बाद रिटायरमेंट लिया। हमने सुना मदर डेयरी नागपुर में स्टार्ट हुई है, तो मैंने उसके लिए आवेदन किया। पता चला नितिन गडकरी साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छे से व्यवस्थित प्लांट का शुरुआत किया है, जगह जगह पे बूथ का इनॉग्रेशन कराए, जो हम एक सर्विसमैन लोगों को दिया जाता है। उसी दौरान मैंने आवेदन किया था तो कॉल आया मेरे को, इंटरव्यू हुई, सिलेक्शन हुआ और वैष्णो देवी चौक पे हमें ये बूथ शुरुआत करने का मौका मिला। और नितिन गडकरी साहब की इस सफलतापूर्वक योजना के तहत जो हमें उपलब्धि मिली, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।